तो गाइस देखिए रात के बज रहे 11 और अभी हम कर रहे बच्चे सब बच्चे यानी ये बच्चे वो सॉरी किसको नहीं बताया ये दी बच्ची ये बच्ची हमें तो बच्ची खाना जल्दी खा लेगा इसलिए भूख लग गई है। भूख तो नहीं लगी ऐसे ही। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िमा के सुलो। आप सब कैसे, आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। ये दूसरा व्लॉग है मामा के घर का ही। मैं 3-4 दिन हो गए ये तो 15। तो गाइस यहाँ लाइट नहीं है और ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी भांजी है। मैं इनके लिए रुकी हूँ 4 दिन। इस बार मैं बहुत रुकी हूँ मामा के। ये है भतीजी, ये है भांजी, ये सब भांजी है। हमारी बहुत अच्छी पटरी है और सब लोगों की चल रही है तो कोई बात नहीं। ये सच्ची बोली है तो मजाक नहीं था। इसको दिल पे लेना लें। सब मेरे घर वाले ब्लॉग देखते हैं। इनका फेस रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनको अलाउड नहीं है। यही है, दिख नहीं रही होगी आपको तो बस। और अभी आज है फातिया, बड़ी फातिया। लास्ट 40 दिन पूरे हो गए मामा के। 1 महीना हो गया है तो बस। तो आज मैं चली जाऊँगी, ये भी चली जाएगी। ये तो इनका घर है, दोनों बहन है, सिस्टर है ये। तो अब मैं आऊँगी ना तो इसकी शादी में आऊँगी। नाम ले लूँ अदीबा, कोई बात नहीं, नाम तो चलता है। तो आप प्लीज़ देखना मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। इन लोगों को देखो दिखा नहीं सकती। आप बोलोगे इनको दिखाना तो अलाउड नहीं है तो नहीं है ना भाई। मैं बहुत में आ रही बहुत है वो, तो अगर इनसे मिलना। तो गाइस देखिए इतनी देर से बैठी है अदीबा और बिस्मा। इन्होंने 3 घंटे से बैठे। इतना सा लहसुन छिला पाओ, शायद पाओ तो है, इतना भी झूठ नहीं बोलूँ मैं। और ये देखिए लहसुन पूरा का पूरा रखा है और ये दोनों धूप खा रही है मज़े से। और मैं इनको 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, पूरा 1 घंटा हो गया। मैं पूरा घर में पूछताछ कर ली सबसे लेकिन कोई नहीं बताया। फिर मैं खुद का खुद मैंने दिमाग लगाया और आ गई। और अब ये लहसुन मैं सिर्फ 10 से 5 मिनट में पूरा छील दूँगी। यहाँ सो रही हमारी खाला जान, देखिए सुना है ये आप जानते। बार बार मैं आपको नाम ले लेके बोर नहीं करूँगी। और ये देखिए ये बैठी है यहाँ और ये हंस रही है। और तो अभी फातिया के बाद हम इसको जो भी रस्म है पूरी करेंगे। कौन है पता नहीं, कोई है दिख नहीं रहा। तो चलो मैं करती हूँ, क्या करती हूँ लहसुन छीलती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये 1 जनवरी का था तो हमें लहसुन छीलने को दे रखा था। तो बस हम मस्ती मजाक करते हैं, लहसुन छील रहे थे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो देखिए गाइस इतना सा ही बचा है, बाकी हमने सारा छील लिया। तो गाइस देखिए इतना लहसुन छील चुका है और ये इतना सा ही बचा था। दिखा ये देखिए, अभी हमारी बहन आई है उसरा बहन, इसने थोड़ी मदद कर दी है फिर भी ये नहीं छील रहा। क्या करें बताओ, हम इस लहसुन से परेशान हो। और मैं इनको बेचारी बच्चियों को दोष दे रही थी ना, वो गलत था तो ये लहसुन ही गलत है। चलो ठीक है, हलवा बन रहा है अभी न्याज के लिए। और ये मेरी भाभी है और ये क्या कर रही हूँ, टमाटर 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 हरी मिर्च सब्जी के लिए तैयारी हो गई है। मैं थोड़ी 15 मिनट रेस्ट करके आई हूँ और ये अदीबा बाजी हलवा बना रही है। खा के बताऊंगी कैसा बना है, सबसे पहले मैं खाऊंगी ठीक है ना। हाँ तो गाइस अभी मैं खा रही हूँ हलवा। अभी किसने बनाया वो देख चुके हो और अब चम्मच देखिए कितना छोटा लाइए देखिए। तो पहले हलवा खा के बताती हूँ फिर आपको मेरी एक छोटी सी पर्सनल बात बताऊंगी। बैठ जाओ रही, पहले बैठ जाओ। यम्मी मस्त बना है और सर्दी में मजा और भी आ गया। और मेरा ना गाइस पजामा फट गया है तो मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है उससे बैठते, इसलिए मैं सो गई थी 15 मिनट। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ चेंज करके, मैंने भाई से कपड़े मंगाए वैसे। तो गाइस हलवे के बाद हम चाय पी रहे हैं, ये भी चाय पी रही है सब। तो गाइस हो गया था शाम का टाइम आने वाला था तो खाना पीने की तैयारी हो गई थी, बर्तन आ गए थे और हमें प्याज काटने को दे दिए थे। तो हमारे लहसुन प्याज ही आ रहे थे जो भी काम में, तो बहुत सारे प्याज काटे हम सब भांजी ने यानी मेरी भांजी ने और मैंने। तो बस कट चुके थे। ये देखिए भट्टी लग गई है, खाने की तैयारी हो रही है फातिया के। तो लोग भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे तो जल्दी बना रहे, सर्दी का टाइम है। तो मैं छत पे से थोड़ा बहुत सूट किया है आपके लिए, छोटा मोटा जो भी हो सकता मैं। तो बस खाना भी बन चुका था और ये फातिया लग रही। तो आप सभी दुआ करें मामा को जन्नत नसीब करे, मामा मामी मेरी अम्मी पापा सभी को। और ये थोड़ा गाने सिंह के लिए स्टू के लिए शिमला मिर्च कट हो रही हैं और ये कटिंग कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे वैसे तो इतनी तीखी नहीं होती फिर भी। बस अभी हम खा रहे हैं खाना, बहुत तेज भूख लगी, रात के 8 बज रहे हैं। अरे यार काली काली मिर्च ठोक दी थी। तो काली जी अच्छा फर्स्ट बाइट सब्जी के साथ सब्जी। अभी सब हम स्टू के साथ, स्टू बनाया है और दुलत्ती बनाई है और रोटी है तंदूर की।
तो चलो हम खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मेरा तो खाना हो गया था, तो अभी लास्ट में बैठी थी भाभी और सभी मेरी फूफी खाला जो भी मेरी भांजी हैं, तो इनको मैं खिला रही थी। मैं एक दो और थे, हमने जब खा लिया था वो हम खिला रहे थे, और ये खाना माशाल्लाह सभी मिलकर खाते थे। हाँ तो गाइस मैं आ गई थी मामा के घर से, तो आने को तो मैं कभी आ गई थी सुबह ही, यानी 12:30 बजे निकली थी, 1 बजे घर पहुँच गई थी। तो उसके बाद बिल्कुल भी मैं कहीं गई थी इमरान जी के लिए कुछ सरप्राइज़ रखा था, कुछ लेकर आई थी उनके लिए, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। तो फाइनली आज मैंने सोचा उनका बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा और न्यू ईयर गिफ्ट भी हो जाएगा। तो बस शुरुआत मैंने कुछ अच्छे के साथ किए। तो अभी रात के बज रहे हैं 12, बहुत लेट, क्योंकि आने के बाद मैं घर में काम काज करने लग गई, फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिला। इमरान जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत तेज़ बुखार हो रहा था, तो इनको थोड़ा गरम पानी वगैरह, चाय गरम गरम कुछ दी खाने को। तो अभी भी है फीवर, तो कल सर्दी लग गई थी, रात को नाइट में आए थे, लेट हो गया था और कुछ था नहीं, बच्चे को उन्होंने कोट पहना दिया था और खुद थोड़ा सर्दी लगी। तो चलो कोई नहीं, मैं आपसे कल बात करूँगी। अभी मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी हॉट, देखिए ये वेट लॉस करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो आपको पता ही होगा जो अभी इमरान जी के लिए लेकर आई हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अभी इमरान जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इनसे कल पूछेंगे हम। तो ये देखिए, तो ये है इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े, तो मैं कल बताती हूँ, मिलती हूँ आपसे सुबह। अभी देखिए इमरान जी यहाँ सो रहे हैं, इनकी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत कोल्ड है, मिलती हूँ सुबह। तो गाइज मामा के आने के बाद मैंने बुलाया था मेरी बहनों को, भांजियों को, तो आई नहीं, तो हमें हलवा बनाना, तो मैंने सोचा आज बना लेते हैं, गाजर ला के रख ली थी, तो भाई हलवा बना रहा था, फिर मैंने सोचा कल हम वो आएंगे तो कुछ स्पेशल और बना लेंगे और ये कल उनको खिला देंगे। तो ये उनके लिए भी था और हमारे लिए भी था, सर्दी है तो मैंने सोचा फर्स्ट टाइम गाजर का हलवा बनाए। तो देखिए गाइस ये गाजर का हलवा, अभी पानी है, अभी सूखा नहीं है, और ये देखिए कितनी गाजर गिराई है इस मेरे भाई ने, तो थोड़ी जाफरान का भी इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये मैं कश्मीरी यहाँ प्रदेश नहीं लग रही है। चलो अभी अजान हो रही है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तो थोड़ा पानी है इसके अंदर। तो गाइस देखिए अभी 80% रेडी हो गया है, और इसने बहुत अच्छी गार्निशिंग करी है, और ये देखिए, और ये मैं हूँ, और मेरी किचन पूरी रोने लग गई है। बताती हूँ आपको, खून के आंसू हो रही है, एक मिनट ये देखिए, दिख रहा आपको, मैंने अभी आटा डाला है, इसी आटे में हाथ उड़े, मैं आटा लगा लेती हूँ और बस हो गया रेडी, और टेस्ट करके बताऊँगी मैं कैसा बना है। मैंने नहीं बनाया, मेरे भाई ने बनाया, मैं बनाऊँ या भाई बनाए वो ही सेम ही बनता। तो जो जो बस इसने कुछ वीडियो नहीं बनाने दिए, कुछ शूट शूट गए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वहाँ जाकर फॉलो कर लेना। और अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करें, मैं आपको फुल बताऊँगी, वो भी इंस्टा में शॉर्ट में ख़त्म। तो अभी बनाने में मटर आलू और मेथी की सब्ज़ी, ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। बहुत ठंड है, तो स्वेटर पहन रहे, आप सब भी अच्छे से रहें, मोजे जुराब पहन के जो भी है। तो अभी डाला ड्राई फ्रूट, ये देखिए, ओह ओ भाई, ओहो आप डालेगा ये फिर से मेवा, आप डालेगा काजू, देखिए किचन देखो कितना गंदा कर दिया इसने। तो मैंने इमरान जी के लिए भी शॉपिंग की थी आते वक्त मामा के, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से उनको कुछ देना था गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दिया, और मैंने सोचा न्यू ईयर है और उनके पास कुछ कपड़े नहीं थे, तो सोचा कुछ दे देती हूँ, सिर्फ उनके लिए ही शॉपिंग की है मैंने। मैंने कुछ बचाया, देखो हस्बैंड वाइफ बहन भाई जो भी हो, जितना कुछ हो सकता है कर दिया करो, जरूर नहीं है वाइफ को ही गिफ्ट हस्बैंड देते हैं, वाइफ भी दे सकती है वैसे गिफ्ट, और बहन भाई में भी ऐसा होना चाहिए, और फ्रेंड होते हैं जितने भी उनको भी ऐसा, ज़रूर नहीं होता कि सामने वाला एक ही गिफ्ट देते रहे और अपन लेते रहे। तो हमेशा इमरान जी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, पहली बार मैंने सोचा कुछ उनके लिए कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा है। और कुछ थोड़ा बहुत टाइट वगैरह आया तो वो चेंज करवा लेंगे, मैं भी लिंक के साथ लाई थी, उनको वहीं पसंद है, वो जूडियो से ही शॉपिंग करते हैं, तो मैंने वहीं से की। तो चलो ये दुकान मैंने आपको बता दी है, और जो करती हूँ मैं आपको साथ। तो गाइस हलवा बन गया है, तो मैं हलवा चेक कर आपको टेस्ट करके बताती हूँ, एक बाइट खा लिया, अच्छा है, लेकिन अब आपके सामने ये देखिए, ये भाई मैंने हलवा खाया, हलवा खा रहा हूँ मैं, तो मैं अभी रात को खा रही हूँ 11 बजे,
मैं भी खा रही हूँ। क्या करा दू? आप भी खाइए, ये देखिए। क्या होगा? अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, क्योंकि इसमें सब कुछ मटेरियल डाला तो अच्छा ही बनेगा ना। बहुत बढ़िया, मजा आएगा। आप भी आइए और हलवा खाइए। तो गाइस आप देख लीजिए इमरान जी के लिए मैं क्या लेकर आई थी। देख लीजिए इमरान जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अभी वीडियो में नहीं आना चाह रहे, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर उनसे मिलवाऊंगी और जो भी होगा आपको कब्र। तो मैं दो इनके लिए अंडरवर भी लेकर आई थी तो इनके पास नहीं थी, काफ़ी टाइम से मतलब पुरानी हो गई थी। ये देख लीजिए और अभी लास्ट में आप पूरा वीडियो देखिए। ये इन्होंने पहन के चेक कर लिए थे कल, तो आपको कौन सा अच्छा लगा? मुझे तो सभी अच्छे लग रहे हैं इन पर, तो इनके पास नहीं थे, बहुत साल हो गए इनको कपड़े परचेज़ किए, तो मैंने इनके लिए शॉपिंग की तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्हें भी अच्छा लगा। तो अभी रात के 12 बजने मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सोचा था इनके साथ लेकिन ये बोले नहीं मेरा मन नहीं है अभी। और ये देखिए आज ये पहन के गए थे डेनिम, गंदी भी करके लेकर आ गई हैं, और ये टी शर्ट डाला था, और ये देखिए लवर पजामा भी लाई थी भाई। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ चेंजिंग का था वो भी ये चेंज करा के आ गए, दो एक पीस ले गए थे, दो पीस लेकर आए हैं वापस। तो बस वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो कल आएंगी बहनें तो सुबह उठना है जल्दी, तो कल उनके साथ शूट करेंगे और मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।